और आप तबाही जैसे लोगों के बगल में खड़े हैं। कुल मिला के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए। आज हम लोगों का क्योंकि लगन स्टार्ट होने वाला है, हो भी गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक गाना लाए हैं जेबीके एंटरटेनमेंट से, जिसका नाम है नाचते में हो गए। अक्सर होता उत्तर प्रदेश और बिहार में कि नाचही में भोर हो जाला, तो ओही के लॉन्चिंग में आज हमने की एक भी जुटल बनी जा आप सबके माध्यम से, अपना भोजपुरिया समाज से, दर्शक समाज, छोटा समाज से ही आग्रह बा कि जेबीके एंटरटेनमेंट पर जाएगा और एक गाना के खूब प्यार दुलार आशीर्वाद। अब रुआ सब कुछ ही जगह कोई सवाल देखिए, ये मोटिवेशनल गाना नहीं है कि हम मोटिवेट, ये गाना मनोरंजन के लिए है। हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ इस गाने को बनाने के पीछे एक ही मकसद है, लोगों को मनोरंजित करना, जो हमारा काम है। हम चाहते हैं लोग खुश रहे, इतना स्ट्रेस भरा लाइफ है, लोगों के साथ चिंता तनाव, संगीत एक दवा है। संगीत सुन के अगर थोड़ी देर के लिए आदमी सारे तनाव भूल जा रहा है, आनंदित हो जा रहा है, मजा ले रहा है, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। क्या गाना हो जाए भैया, सबसे पहले एक गाना हो जाए भैया। किसो से बना थी के बिछन को दे लो, आ हम के न पने आज फैन को मिले जितना भी थोड़ी ज्यादा हो एक्सप्रेशन काजल जी वो ऐसन बारात अभी हम नहीं देखो नी हो नचते में होई गाली हो रहे। कितना बेचैन किए काजल आज, 23 का लगन का सबसे सुपर डुपर गाना हिट हो जाएगा, ये आप लोग बताएगा। हमारा काम है बनाना, और आप लोगों का ये उत्साह देख के लग रहा है कि 2023 का सबसे सुपर डुपर नाच लेट से हुआ था क्या कि भोर हो गया नाचते नाचते। अरे ना भाई, नाच 8 बजे स्टार्ट हुई तो भोर हो ही नहीं करी, दर्शकों को रात भर जगाइएगा, गर्मी के दिन है भाई, पैसा दिया है तो रात भर नचाएंगे नहीं। सूट पे कितना बेचैन किए काजल जी। देखिए, एक हमारे भोजपुरी जगत की बहुत ही होनहार लड़की है, और इनका काम आप लोगों ने देखा बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा बिहेवियर है कलाकार का, जो बिहेवियर चाहिए। मैं काजल की आपकी ऊर्जा भविष्य की कामना करता हूँ, आगे घुस जा भाई, बात बिहार के बढ़ते हुए कलाकारों के लिए हमारा यही कहना है कि जिस तरीके से आप लोग इतने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आज के डेट में देखिए पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार, या फिर कह सकते हैं भोजपुरी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जो कलाकार है उनका डंका बज रहा है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामना देता हूँ, खूब आगे बढ़िए आप लोग, और भोजपुरी को इतना ज्यादा प्यार दुलार दीजिए कि भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं की इंडस्ट्रीज है, भोजपुरी उसमें टॉप हो जाए। भोजपुरी इंडस्ट्री आगे है, आप
जिस हिसाब से मैं अगर आप किसी बातें को आपने बोला आप बहन है आपके बात का इज्जत करता हूं मैं। ध्यान से बात सुनिएगा, अगर कोई गाना अश्लील है तो उससे पीछे से भी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो गाना अश्लील है, ठीक है। वो गाना बर्बाद करवाता है। किराने का दुकान है यूट्यूब, किराने के दुकान पे आपको जाके चीनी लेना है तो वो भी मिल जाएगा और मिर्चा लेना है तो भी मिल जाएगा। तो आप जाके यूट्यूब पे विश्वास कर तू मैया पे सर्च कर रहे हैं या कोई असली गाना सर्च कर रहे हैं या आपके ऊपर है। अगर आप असली गाना सुन रहे हैं तो आप खुद असली है। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, और अगर रोक लगाना है, अगर रोक लगाना है तो उन लोगों पे रोक लगाइए जो ऐसे गानों को सार्वजनिक जगहों पे बजाते हैं। आप अभिव्यक्ति की आजादी है, आप अपने कान में डाल के झूठी सुन सकते हैं। अरे एकदम गर्दा हो गया है आईपीएल में। हमारे बड़े भाई जितने भी रवि किशन भैया, मनोज भैया, दिनेश भैया, ये लोग जाके आईपीएल में कभी सुन लेना आजा भोजपुरी की कमेंट्री एकदम महादेव के नाम गड़गड़ाहट आगे बढ़ रहा था पूरे देश में। धोनी क्या आईपीएल नाम जाएंगे कि आईपीएल के कमेंट्री दूसरा भाषा में हुई, दूसरा काहे तय करी। दिनेश भैया क्या आईपीएल में आप जाएंगे? आईपीएल में आप जाएंगे? आईपीएल में आप जाएंगे कमेंट्री करने? जरूर जाएंगे। अरे एक 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 करके सवाल पूछिए तो नहीं सुनाई देगा। आराम से अंदर पूरा घुसा देते हैं। प्रियंका सिंह के साथ स्टेज पर आज जब हमने ये देखा था उनका वीडियो कुछ लोग पोस्ट किए थे तो मैंने उन्हें फोन किया दो दिन हमने फोन किया पूछने के लिए कि क्या बात है। तो हो सकता है किसी कारणवश फोन उनका रिसीव नहीं हुआ, इसलिए हमें इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं। अभिनेत्रियाँ कहाँ? इससे पहले भी मोबाइल आ रहा है, ऐसा घटना देखने को मिला रितेश जी। ऐसा ऐसा एक एक बार अगर हमारे पास ज्यादा टाइम रहता तो आप लोग को एक कथा सुनाते। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जैसा यहाँ पे ऐसा दुर्घटना नहीं होता है, लेकिन ये घटना जो है बहुत ही दुखद है। इस प्रकार का फैसला दुखद है। अगर इसके पीछे कोई और भी बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग गुजारिश करते हैं कि कम से कम उस सच तक पहुँचे और क्या बात है उस बात तक पहुंचे। और उनका इतनी होनहार लड़की थी हमारे इंडस्ट्री की, तो हमारे लोगों के पास, हमारे इंडस्ट्री के पास उस सच को रखा जाए ताकि हम लोग जान पाए। रितेश कल आकांक्षा दुबे का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रोक बता रही है कि जो अगर मेरे मुझे कुछ हुआ तो समर सिंह इसका जिम्मेवार है।